एक बार फिर से आपके कमेंट पे, आपकी डिमांड पे एक वीडियो आ चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि मिक्स दाना कैसे बनाया जाता है, कबूतरों के लिए मिक्स दाना कैसे बनाएं। भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार भाइयों, इंडियन एनिमल हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे मिक्स दाना कैसे बनाया जाता है। और भाइयों, ये था बाजरा जो हमने ये डाल रहे हैं हम बाल्टी के अंदर। और भाइयों, मिक्स दाना कैसे बनाया जाता है सबसे आसान तरीका बताया जाएगा आपको। भाइयों, कम से कम पैसे में आपका बन जाएगा ये मिक्स दाना। और यह है भाइयों गेहूँ, ये जो आपके जो घर में रोटी बनती है इसी का आटा बनता है भाइयों। ये डाल देना है आपको एक बाल्टी के अंदर, इसको भाइयों अच्छे से धोना है। और भाइयों, मिक्स दाना बनाना बड़ा ही आसान है। ये देखिए भाइयों, इसको धोना है पहले बहुत अच्छे से। तो भाइयों, आप देख सकते हैं इसमें से कितना गंदा निकल रहा है, पानी भी गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। और भाइयों, इसके अंदर से देखो कितनी फूस वूस निकल रही है जो इनके अंदर बाजरे और गेहूं के अंदर रहती है। तो भाइयों, हम इसको धो के दिखाते हैं आपको अच्छे से एकदम। भाइयों, मैं सारा कचरा निकाल लेता हूँ एक पन्नी के अंदर। तो भाइयों, ये देखिए ये सारा कचरा निकाल लिया है। ये देखियो भाइयों, पानी कितना गंदा हो रखा है। अब मैं सारा पानी फेंक के भाइयों फिर से एक बार पानी डालूँगा, वीडियो कंटिन्यू करेंगे भाइयों। तो भाइयों, आपने देखा मैंने सारा पानी फेंक दिया। अब मैं दोबारा पानी डाल रहा हूँ भाइयों इसके अंदर, ये बाल्टी के अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ। और भाइयों, फिर से इसे धोना अच्छे से। तो भाइयों, ये देखो मैंने धो लिया इसे। ये देखो पानी गंदा है, अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पानी अभी भी गंदा है, बट लेकिन वो थोड़ा सफ़ा हो चुका है। तो भाइयों, अब मैं इसको पानी सारा सारा फेंक देता हूँ और दाने को इसमें से निकाल लेता हूँ। तो भाइयों, मैं दाना आपको हाथ लगा लगा के दाना सारा रोक लेना है क्योंकि दाना भी गिरेगा। आप छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं सारा का सारा बाजरा और गेहूँ रोक ले रहा हूँ, बाकी पानी को गिरने दे रहा हूँ। तो भाइयों, आपको ऐसे ही रोक लेना सारा का सारा बाजरा और गेहूँ, और पानी को गिर जान देना पूरा। तो भाइयों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा पानी भी निकल चुका है। ये देखिए भाइयों, ऐसा आपका हो जाएगा बाजरा और गेहूँ। तो भाइयों, इसका पार्ट टू भी बनाया जाएगा। और आपको ऐसे डाल देना है एक चुन्नी के ऊपर, या कोई सी भी पन्नी चुन्नी किसी चीज़ के भी ऊपर आपको डाल देना है। भाइयों, मैंने चुन्नी के ऊपर डाला है, अब मैं इसे फैला दूँगा ढंग से। भाइयों, देखो मैंने फैला दिया है। और भाइयों, इसको फैलाने के बाद आपको अच्छे से फैलाना है एकदम। और ये बाल्टी के अंदर थोड़ा रह गया था वो भी मैं निकाल देता हूँ। तो भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि पार्ट टू भी आएगा, उसमें आपको सारे दाने मिक्स करके बताए जाएंगे कौन कौन सा दाना कितने रुपए लगेगा, कैसे कैसे आएगा। तो भाइयों, ये है बाजरे के अंदर निकलता है, इसी की वजह से भाइयों कबूतरों की कपास होती है, कबूतर गले वाला फाड़ने लग जाता है। इसको भाइयों बाहर इसको धो दें आप। भाइयों, देखिए दाना ये पूरा धो के एकदम हो चुका है रेडी। अब इसको सूखने के लिए हमको छोड़ देना है, अब ये सूखेगा भाइयों पूरा। ये देखिए भाइयों, एकदम सफ़ा दाना है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब भाइयों, मैंने चुन्नी से इसलिए ढक दिया क्योंकि जंगली कबूतर आके चुग लेंगे, पूरा ख़राब हो जाएगा भाइयों। ये ख़राब तो नहीं होगा लेकिन ये जंगली कबूतर आके चुग लेंगे पूरा का पूरा दाना। तो भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना भाइयों।